Hello friends, today we are going to discuss the various types of organizational structure. In the last lecture, I have discussed the basic concept of organizational structure, the various factors influencing the organizational structure. Also, we have discussed the effect of organizational structure on employees' behavior. And in the last, we have discussed the importance of organizational structure. So in today's lecture, we are going to discuss briefly the various types of structures. So for a start, we should know what do we mean by the organizational structure. Now, an organizational structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. These activities can include rules, roles, and the responsibilities. Organizational structure defines how activities are directed towards achievement of organizational aim or the goals. यानि कि एक organizational structure हमें ये बताता है कि किसी भी organization में जो उसके aims या जो objectives हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो various processes हैं उसको कैसे डायरेक्ट किया जाए. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आल्सो डिटरमाइंस हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन लेवल विद इन अ कंपनी. फॉर एग्जांपल, इन अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम द डिसीजन फ्लोज फ्रॉम टॉप डाउन, व्हाइल इन अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें यह भी बताता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन है या जो डिसीजन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. सपोज वी हैव अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, तो उसमें जो डिसीजन है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करेगा. जबकि यदि हमारा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है तो उसमें डिसीजन लेने की क्षमता डिफरेंट लेवल्स हैं जो मैनेजमेंट के हमारे उनके पास होती है. Having an organizational structure in place allows companies to remain efficient and focused. तो हम कह सकते हैं कि organizational structure ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी organization को कार्य कुशल रहने में तथा focus रहने में मदद करती है. Businesses of all shapes and sizes use organizational structure heavily. They define a specific hierarchy within an organization. A successful organizational structure defines each employee's job and how it fits within overall system. Put simply, the organizational structure lays out who does what so the company can meet its objectives. हम कह सकते हैं कि बिजनेस यूनिट चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की आवश्यकता जरूरी है. यह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसमें एक जो हायरार्की है उसको डिफाइन करेगा. जो भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें किस एम्प्लॉय का क्या काम होगा, किसको किसको रिपोर्ट करना होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ये सब डिफाइन करने में मदद करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करें. दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ कंपनी विद अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इट इज शेप्ड एंड हाउ इट कैन बेस्ट मूव फॉरवर्ड इन अचीविंग द गोल. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मली इलस्ट्रेटेड इन सम सॉर्ट ऑफ चार्ट और डायग्राम लाइक अ पिरामिड, वेयर द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिट एट द टॉप व्हाइल दोज विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर आर एट द बॉटम. ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही है जो हमें यह बताता है कि हमारी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन की क्या शेप होनी चाहिए और किस तरह से हम आगे बढ़ें कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो शेप है वो एक पिरामिड की तरह होती है जिसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे पावरफुल व्यक्ति सबसे टॉप पर होता है और जो
कम शक्तिशाली व्यक्ति है या जिसके पास सबसे कम पावर है वो कहीं ना कहीं उस पिरामिड के बॉटम पे होता है. सो वी कैन सी एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आउटलाइंस हाउ सर्टेन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि हम जो विभिन्न गतिविधियां हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको किस तरह से निर्देशित करें कि उनकी सहायता से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव करने में मददगार साबित हो. सेकेंड, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस ईच एम्प्लॉई जॉब एंड हाउ इट फिट्स विद इन द ओवरऑल सिस्टम. और एक जो सक्सेसफुल स्ट्रक्चर होगा वो यह भी बताता है कि प्रत्येक एम्प्लॉई का उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है और कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा फिट बैठता है. नेक्स्ट, ए सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हैज़ ए डेफिनेट चेन ऑफ कमांड वाइल डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर गिव्स ऑलमोस्ट एवरी एम्प्लॉई रिसीविंग ए हाई लेवल ऑफ पर्सनल एजेंसी. नाउ, नॉट हैविंग ए फॉर्मल स्ट्रक्चर इन प्लेस मे प्रूव डिफिकल्ट फॉर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉईज may have difficulty knowing to whom they should report. That can lead to uncertainty as to who is responsible for what in the organization. यानी कि यदि organization में formal structure नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें पैदा करता है. उस situation में जहाँ पर कि एक formal structure नहीं है वहाँ पर एम्प्लॉयज को ये दिक्कत रहती है कि वो किसको रिपोर्ट करें, और एक अनसर्टेनिटी ये भी रहती है कि वहाँ पर यदि कुछ गलती होती है तो उसका अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी या उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा. एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल अबाउट फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. हैविंग ए स्ट्रक्चर इन प्लेस कैन हेल्प विद एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड क्लैरिटी फॉर एवरीवन एट एवरी लेवल. दैट आल्सो मींस ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कैन मोर प्रोडक्टिव एज दे आर लाइकली टू बी मोर फोकस्ड ऑन एनर्जी एंड टाइम. यानी कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सुदृढ़ है तो कहीं ना कहीं वो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, और हर एक के पास हर लेवल पे एक क्लैरिटी रहती है अपने काम के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में. इसके साथ साथ हर एक एम्प्लॉई ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा और अपने काम के प्रति ज़्यादा फोकस भी होगा. नाउ लेट अस डिस्कस सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेरी ब्रीफ नोट. An organization structure is either centralized or decentralized. Traditionally, organizations have been structured with centralized leadership and a defined chain of command. The military is an organization famous for its highly centralized structure, with a long and specific hierarchy of superiors and the subordinates. यानी कि जो एक centralized system है, उसमें एक well-defined structure होगा, जिसमें कि जो पद में सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर तथा जो पद में छोटा है वो सबसे नीचे होगा, और उसी फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग पावर होंगी. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इज द मिलिट्री. नाउ देयर हैज बीन अ राइज इन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एज इज द केस विद मैनी technology startups. This allow companies to remain fast, agile and adaptable, with almost every employee receiving a high level of personal agency. So we are going to discuss formal and informal organization further in detail when we are going to see the next part of our lecture. Now let us define the various types of organizational structure. So basically we are having four types of common organizational structures which are implemented in the real world. First of those structure is the functional structure.
The first and most common is a functional structure. This is also referred to as a bureaucratic organizational structure and breaks up a company based on the specialization of its workforce. Now, this is very important. When the jobs are grouped, keeping in the mind the work or the functions, that then it is known as the functional structure. यानी कि जब काम को या जो भी कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर ग्रुप बनाया जाता है तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं. मोस्ट स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस इम्प्लीमेंट ए फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवाइडिंग द फर्म इनटू डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मार्केटिंग सेल्स एंड ऑपरेशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट हमने जो परचेज का है वो बना दिया, दूसरा हमने सेल्स का, तीसरा हमने फाइनेंस का बना दिया, तो जो परचेज डिपार्टमेंट है वो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उन सब की जिम्मेदारी परचेज डिपार्टमेंट की होगी. इसी तरह से सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसकी जिम्मेदारी सेल्स की होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी फाइनेंस की होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन की होगी. तो इस बेसिस पे जो हम स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है उनको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. नाउ दिस फिगर कैन ईजिली Describe how a functional organizational structure works. Now here we can see at the top we are having the general manager or we may say the CEO, and under this we are having different departments. Suppose say engineering department, manufacturing, operations and finance. Now these are grouped according to their work. क्योंकि ये department जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे काम करेगा तो इसको हमने एक ग्रुप में कर दिया और जो भी जॉब्स हैं उससे रिलेटेड उनको हमने एक सिंगल ग्रुप में डिफाइन किया, दैट इज़ इंजीनियरिंग. इसी तरह से जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा वो ये वाला जो ग्रुप होगा वो देखेगा, उसको हमने कह दिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप. देन ऑपरेशन, इसी तरह से जो फाइनेंस का काम होगा वो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या जो फाइनेंस का जो ऑफिसर्स हैं कहीं ना कहीं वो मॉनिटर करेंगे. और इन हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के नीचे उनका अलग अलग आपके स्टाफ होंगे उसी हायरार्की में. इधर हेयर वी कैन हैव द स्टाफ ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हेयर दिस विल बी द टॉप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड बिलो दिस द डिफरेंट लेवल्स as per their rank. Here operational head will be there and below operational head all other persons from operational department rank wise will be there. Similarly for the finance, we are having the finance department. So this is how the functional structure in any organization works. So now let us discuss some of the advantages of the functional structure. Now first is the specialization. Because each and every person is working in a particular department, so they will get specialized in their own working. यानी कि हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक जो कोई भी एम्प्लॉय एक ही तरह का जॉब करेगा, एक ही तरह का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे उस काम में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी. सपोज आई से कि देर इज़ ए दिस इज़ ए स्टाफ हु इज़ वर्किंग इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. सो यदि यही ये पर्सन यदि लंबे समय तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी स्पेशलाइजेशन इस डिपार्टमेंट में हो जाएगी, क्योंकि उसको फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग से, ऑपरेशन से, फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मतलब है और उसी डिपार्टमेंट में वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक एक ही तरह का काम करता है. सो इन दिस वे ही
get specialized in his job. Another advantage is the easy supervision. Now, because we are dealing with only a single department, and that department is performing same kind of job work, so it is easy to supervise those persons working under you. यानी जब आपके नीचे एक ही तरह के कार्य हो रहे हैं तो उनको सुपरवाइज करना बड़ा आसान होगा. सपोज आई से कि यदि आपकी क्लास में कुछ बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ लिटल बिट डिफ़िकल्ट टू सुपरवाइज देम. बट यदि वो सारे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज ऑल ऑफ देम आर स्टडिंग ओनली दे आर रीडिंग द फिजिक्स सब्जेक्ट, देन इट इज़ वेरी ईजी टू सुपरवाइज ओवर देम. सो नेक्स्ट एडवांटेज इज द ईजी कोऑर्डिनेशन. नाउ बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग द सेम जॉब, सो इट इज वेरी ईजी टू कोऑर्डिनेट देम. नेक्स्ट एडवांटेज इज एनहांस मैनेजरियल एफिशेंसी. नाउ बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग a similar type of work or job, so it is also easy for a manager to do his or her work, and because of this the efficiency of the manager increases. Now there are some disadvantages of functional structure also. Some of the disadvantages are thinking of the sole benefit. yani ki जो भी कंपनी है उसमें यदि हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक डिपार्टमेंट है, सपोज मैंने कहा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचेगा, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या उसको ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से या उसको सेल्स डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होगा. तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचेगा. So this may be one of the disadvantage of a functional structure. Second is coordination decreases as the size increases. Now here we are dealing with the coordination among various departments, or we can say interdepartmental coordination will decrease, because earlier I have said each department is going to focus on his own department and no one will care about other department, so the coordination among different departments will likely to decrease if we say the number of employees or the size of the organization increases. Next is inflexibility. Now this system is little bit inflexible, because if I suppose the sales department, the person working in sales department cannot be transferred to production department, because that person is having the knowledge of only about sales and he doesn't have much knowledge about the production department or any other department except his or her sales department. So it is little bit inflexible if we want to transfer one person from one department to any other particular department. Next is no department accountability. यानी कि काम की जो जवाबदेही वो कोई भी डिपार्टमेंट जल्दी से नहीं लेगा. यानी सपोज मैं कहूँ कि किसी केस में वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स और वी फेल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, उस केस में कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा. हो सकता है उसके उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कहे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो सेल्स वाले की जिम्मेदारी है. सेल्स वाला कहे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कमी है. सो इस तरह से दे कीप ऑन ब्लेमिंग अदर डिपार्टमेंट रादर देन टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फेलियर. सो इन द लास्ट डिसएडवांटेज इज डिपार्टमेंट इज एम्पायर ऑफ द मैनेजर. यानी कि जो मैनेजर होगा वो सपोज एफ आई से here this is the finance department and the finance manager
or the head will be the whole soul responsible for the whole department. यानी वो अपने आप को एक तरह से राजा समझेगा अपने डिपार्टमेंट का. तो ये एक डिसएडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज द डिविजनल और द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. द सेकेंड टाइप इज कॉमन अमंग लार्ज कंपनीज विद मैनी बिजनेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिविजनल और द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर्स. जॉब्स रिलेटेड टू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिविजनल स्ट्रक्चर, द जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट. यानी कि यदि कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो एक जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं उन सब को हम एक डिपार्टमेंट के अंदर समाहित कर दें, तो वो कहीं ना कहीं डिविजनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा. इट्स गुड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज बिग एंड मोर देन वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस. यानी कि ये तभी संभव है जब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी बड़ी हो और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करती हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हो. नाउ ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज जॉनसन एंड जॉनसन. विद थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लाइन्स ऑफ बिजनेस द कंपनी स्ट्रक्चर इट्सेल्फ सो ईच बिजनेस यूनिट ऑपरेट एज इट्स ओन कंपनी विद इट्स ओन प्रेजिडेंट. यानी यहाँ पे हम एग्जांपल मान के चले जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का, जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है. तो सपोज हम बात करें कि ये जो कंपनी है वो साबुन भी सोप भी बनाती है और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक आइटम्स भी बनाती है. तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस डिविजनल स्ट्रक्चर हमने क्या किया कि जो इसका एक प्रोडक्ट है जो साबुन है उससे रिलेटेड जितनी भी कार्य हैं उसको हमने एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया. सो यदि मैं कहूँ कि जो सोप कंपनी है वो साबुन बना रही है, तो उस कंपनी में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा. तो ये जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं वो सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट से डील करेंगे, दैट इज़ सोप. यानी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ सोप की प्रोडक्शन के बारे में ही सोचेगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपनी जो साबुन है उसकी सेल्स के बारे में ही सोचेगा. सिमिलरली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट सोप से ही डील करेगा. इसी तरह से इसी कंपनी का सपोज जॉनसन एंड जॉनसन का ही दूसरा प्रोडक्ट है, कोई कॉस्मेटिक आइटम है, टेलकम पाउडर है सपोज, तो उस टेलकम पाउडर से रिलेटेड भी अलग अलग फर्दर यूनिट्स होंगे. प्रोडक्शन यूनिट होगा जिसमें कि जो टेलकम पाउडर है वो बनाया जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा जो कि उस टेलकम पाउडर की सेल्स के बारे में जो भी कार्य होंगे वो करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी सिर्फ अपने टेलकम पाउडर कॉस्मेटिक आइटम के बारे में ही सोचेगा. तो इस तरह से हालांकि हम कह सकते हैं कि कंपनी तो ओवरऑल वो एक ही है, लेकिन उन्होंने क्योंकि एक बहुत बड़ी यूनिट है और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के हिसाब से डिवीजन कर दिया. और जो वो डिवीजन हमने किया वो अपने आप में एक कंपनी की तरह ही कार्य करेगा, जैसे कि वो अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल कंपनी है. तो सोप का जो हमने डिवीजन है वो अपने आप को एक सोप कंपनी की तरह प्रेजेंट करेगी और उसी की तरह फंक्शन करेगी. इसी तरह से जो कॉस्मेटिक आइटम बना रही है जॉनसन का एक यूनिट, वो अपने आप को एक अलग यूनिट शो करेगी और उन प्रोडक्ट के हिसाब से उनके अलग अलग डिपार्टमेंट भी होंगे. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शनल यूनिट इज नोन एज द डिविजनल और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. नाउ वी कैन सी दिस बाय दिस पर्टिकुलर डायग्राम. हियर वी कैन सी दिस इज द मैनेजिंग डायरेक्टर. सपोज आई से इफ वी आर सीइंग जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी सपोज, सो दिस इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन एंड
Now these are the different products. This company is producing cosmetic items, also medicine, also suppose I say garments, also some footwears. Then this product base, this whole system will act as a one unit, और हम कह सकते हैं कि एक separate organization की तरह से काम करेगा. Similarly ये जो होगा ये अपना एक organization की तरह काम करेगा. Suppose I say cosmetic है तो cosmetic department का अपना production department होगा, उसके purchase के लिए होंगे, उसके marketing के लिए department होगा, finance department उसका अलग से होगा. इसी तरह से suppose I say medicine है तो that medicine एज ए प्रोडक्ट हेयर दिस विल हैव इट्स ओन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओन परचेज डिपार्टमेंट, ओन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इट्स ओन फाइनेंस डिपार्टमेंट. सेम इज़ द केस विद द गारमेंट और द फुटवेयर प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ द डिविजनल स्ट्रक्चर ऑपरेट्स. नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर. नाउ द वन फर्स्ट एडवांटेज इज द प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. नाउ क्योंकि हमने अभी देखा कि जो इसमें जो डिवीजन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये सपोज जो कॉस्मेटिक की यूनिट है वो सिर्फ जितने भी इसके फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का ही ध्यान रखेंगे, उनको मेडिसिन से या गारमेंट से या फुटवेयर से कोई मतलब नहीं है. सो दीज डिपार्टमेंट्स और द पर्सन विच आर वर्किंग इन दीज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स विल गेट स्पेशलाइज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सपोज ऐसे द पर्सन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो पर्सन कहीं ना कहीं जो कॉस्मेटिक है जो कि उनका एक प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज हो जाएंगे. नाउ सेकेंड एडवांटेज इज फास्ट डिसीजन मेकिंग. नाउ जैसा मैंने बताया क्योंकि एक प्रोडक्ट अपने आप में ये पूरा का पूरा अपने एक डिपार्टमेंट की तरह एक यूनिट की तरह काम कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी फास्ट होगा. नाउ द अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इसमें जवाबदेही फिक्स कर सकते हैं हम. सपोज हमने कहा कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस कॉस्मेटिक सेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं वी कैन सी कि वो प्रोडक्शन की मिस्टेक है, वो परचेज डिपार्टमेंट की मिस्टेक है या कहीं मार्केटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है. तो वी कैन से कि हे वी कैन सेट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट और द पर्सन. देन इजीनेस इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. नाउ सपोज मैं कहूँ कि ये जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन वो सिर्फ इन चार प्रोडक्ट से डील करती है और इसने कोई पांचवा प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट करना है तो वो इजीली सी उस चीज़ में एक्सपेंड कर सकती है अपनी कंपनी का, क्योंकि जो फर्दर जो यूनिट होगी उसका इन चार से पहले वाले से ज़्यादा कुछ कनेक्शन लेना देना नहीं होगा. सो दिस कैन इजीली एक्सपेंड एंड ग्रो. नाउ देर आर सम डिसएडवांटेजेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर आल्सो. फर्स्ट डिसएडवांटेजेज ईच डिपार्टमेंट रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज. नाउ क्योंकि हमने कहा कि ये जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है एक यूनिट की तरह काम करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, इसी तरह से जो मेडिसिन है वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा तो कहीं ना कहीं हर एक जो एक सब ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिएगा, उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं और जो उनको प्रोवाइड करेगा वो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन सपोज है, कोई भी इंडस्ट्री है वही प्रोवाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं उस केस में कि कौन से रिसोर्सेज किसको एलोकेट करे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. अगेन कन्फ्लिक्ट इन रिसोर्स एलोकेशन अभी जो बताया. देन फोकस ऑन ओन प्रोडक्ट ओनली, क्योंकि इसमें जो ये कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में ही सोचेगा, उसको मेडिसिन से गारमेंट से या फुटवेयर से कोई लेना देना नहीं है. इसी तरह से मेडिसिन वाला है वो सिर्फ अपने मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है उसके फ़ायदे की सोचेगा, उसको कॉस्मेटिक या गारमेंट से कोई लेना देना नहीं है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
In this type of structure, the focus is only on its own product. Now the next type of structure is the horizontal or the flat structure. Now the another structure is the horizontal or the flat structure. This is the third type and is mostly adopted by small companies and startups in their early stage. It's almost impossible to use this model for large companies with many projects and the employees. The most important thing about this structure is that many levels, now this is important here, that many levels of middle management are eliminated. यानी कि जिस तरह से हमने functional structure को देखा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं there were many layers of management between top and the lowermost management. But in the case of horizontal or the flat structure, these middle levels management are not there. तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो टॉप मैनेजमेंट है और जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज है उनके बीच में लेयर्स नहीं है मैनेजमेंट की, तो इस वजह से उनके बीच में कहीं ना कहीं जो डिसीजन फ्लो करेगा या जो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी वो काफ़ी फास्ट फ्लो करेगी. नाउ दिस एनेबल्स एम्प्लॉइज टू मेक डिसीजन क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उनके बीच में जो टॉप मैनेजमेंट है और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बीच में कोई मैनेजमेंट की लेयर्स नहीं हैं, इस वजह से दे कैन टेक डिसीजन और मेक डिसीजन वेरी फास्ट एंड आल्सो दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. दस ए वेल ट्रेन वर्कफोर्स कैन बी मोर प्रोडक्टिव बाय डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. यानी कि जो काफ़ी एक्सपीरियंस वर्कफोर्स है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छे से प्रोडक्टिव साबित हो सकती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने आप को शामिल पाती हैं या दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग यूनिट. नाउ This works well for small companies because work and effort in a small company are relatively transparent. यानी कि जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे तरह से काम करता है यदि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी है, क्योंकि यदि छोटी कंपनी है सपोज 10 या 50 एम्प्लॉय ही वहाँ पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी या कोई भी काम होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है छोटी कंपनीज के लिए या उन कंपनीज के लिए जो बस अभी स्टार्टअप हुई हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है. दिस डजंट मीन दैट एम्प्लॉयज डोंट हैव सुपीरियर एंड पीपल टू रिपोर्ट. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में कोई उनका सीनियर नहीं होता या सुपीरियर नहीं होता या कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिनको कि एम्प्लॉयज को रिपोर्ट करनी पड़े. वो सारी चीज़ें होती हैं बट the layers are very very less, or we can say the gap between top and the lower level are almost very less. So just that decision making power is shared and employees are held accountable for their decision. iska matlab ye hai ki jo employees hain जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं और इस वजह से वो किसी कामयाबी के लिए या किसी नुकसान के लिए भी जवाबदेह होते हैं. इट फ्लैटन्स द हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड एंड गिव्स इट्स एम्प्लॉय ए लॉट ऑफ ऑटोनोमी. स्वायत्तता प्रदान करती है इस तरह की जो स्ट्रक्चर है अपने एम्प्लॉयज़ को. Companies that use this type of structure have a higher speed of implementation. Now, this is the structure which show the flat structure. Here we are having the CEO, Chief Executive Officer, and under this we are having different vice president, and under this we are having the directly the staff. So we can say here the layers between top and the front line employees are
very very less. Now let us discuss some advantages of the flat structure. Now the first advantage is a flat organization gives employees greater responsibility and the greater independence. यानी कि वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदार बनाता है और उनको काम में स्वायत्तता भी प्रदान करता है. आल्सो इन द फ्लैट स्ट्रक्चर द हायरार्की गोज अवे विद नो लेयर्स बिटवीन टॉप लीडर एंड द फ्रंट लाइन स्टाफ. सो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन अलाउ क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप एंड द बॉटम लेवल. यानी कि इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो काफ़ी फास्ट होगा बिटवीन टॉप और जो बॉटम लेवल है उसमें, क्योंकि उसमें जो मिडल्स लेयर्स हैं जो मैनेजमेंट की वो कहीं ना कहीं नहीं होती. अलोंग विद दीज एडवांटेजेस देर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. द डिसएडवांटेजेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क वेल विद स्मॉल ग्रुप. यानी कि स्मॉल ग्रुप के लिए तो ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ठीक है, बट दे बिकम कम्बरसम एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रोस. यानी कि छोटे इंडस्ट्री के लिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का आकार, उसके एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं कम्बरसम एक प्रॉब्लम पैदा करने वाला सिस्टम बन जाता है. सो उस केस में जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो हम फ्लैट स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही हमारी संख्या, एम्प्लॉयज़ की संख्या एक लिमिट से ज़्यादा होती है, उस केस में हमें फ्लैट स्ट्रक्चर को छोड़ के किसी दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ सोचना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. द फोर्थ एंड द फाइनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. इट इज़ आल्सो द मोस्ट कन्फ्यूजिंग एंड द लीस्ट यूज. यानी कि जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर है और काफ़ी कम यूज होता है. इन ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर सेटअप एज ए ग्रिड और मैट्रिक्स रादर देन इन द ट्रेडिशनल हायरार्की. यानी जो इस तरह के मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में है जो रिपोर्टिंग रिलेशन है कि किसको, किस एम्प्लॉय को किसको रिपोर्ट करना है, ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू आवर ट्रेडिशनल हायरार्की. इसको हम डिटेल में करेंगे when we are going to see the structure of the image of this structure. Now it is a type of organizational management in which people with similar skills are pooled for work assignment, resulting in more than one manager to report to. For example, all engineers may be in one engineering department and report to an engineering manager, but these same engineers may be assigned to a different projects and might be reporting to those project managers as well. Therefore, some engineers might have to work with multiple managers in their roles. यानी इस example से इस matrix structure को बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि suppose कोई engineers का group है और वो जो इंजीनियर्स हैं वो किसी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंजीनियर ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट बेसिस कि उनमें से कुछ इंजीनियर प्रोजेक्ट ए में इन्वॉल्व हों, कुछ प्रोजेक्ट बी में इन्वॉल्व हों, कुछ प्रोजेक्ट सी में इन्वॉल्व हों. तो वो जो इंजीनियर होगा वो कहीं ना कहीं अपने जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा, उसके साथ में जिस भी प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट हेड को भी कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट करेगा. सो हम कह सकते हैं उस केस में उसको जो वो जवाबदेही होगी उसकी, वो अपने डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज होगा उसके लिए भी वो जवाबदेह होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल सिस्टम विद दिस इमेज. Now this shows a matrix organizational structure. Now this is the top management. Now these are different departments. Suppose a manufacturing manager, here sales manager, here finance manager, here
HR manager. So these are the person which are working under manufacturing manager. These are the person working under sales manager. These are under the finance manager. These are suppose HR manager, and there may be some engineer manager, engineering department also. So these are the respective department of these particular persons. It means these persons, these suppose I say these four persons, they are from different department. This person is from manufacturing, this is from sales, this is from finance, this is from HR. Now these four persons are assigned a same project, that is project A, and this project A is led by this manager. So in practical working condition, this person, which is actually from manufacturing department, is going to report to manufacturing head also, and also to the manager of this project A. Similarly, this sales person is going to report to sales manager also, and to the project manager also. Similarly, this finance person will report to this his finance manager, and also to the manager of project A. Similarly, there is another project B which has taken these four persons from different units, from different departments. So here also these four persons are going to report to this project manager, and also to their respective heads, to their respective department heads. So this type of structure is termed as the matrix structure. Now let us discuss some of the advantages of the matrix structure. Now, decentralized decision making. Now here, because this person is going to report to his department manager also, and to the project manager also, so there is no centralized system of decision making. Instead, it is a decentralized decision system. Next, the strong product or the project coordination. Next, in this matrix structure, the environmental monitoring is very much improved. Next, in this case, fast response to the change. If there is any change, it may be the external change or it may be the internal change, then this type of structure will respond very fast to that particular change. Next, flexible use of resources. Now, because the different persons from different departments are working together, so there is flexibility in use of the resources. Next advantage is efficient use of support system. Along with these advantages, there are some disadvantages of matrix structure also. One is high administration cost. The second disadvantage is potential confusion over authority and the responsibility. Because a person, suppose I say this person is going to report to this person also and to this person also. So sometimes this type of reporting become little bit confusing, because here that person is going to report more than one person or more than one authority. Third disadvantage is high prospect of conflicts. Again, because there are more than one boss, so there is always some bit of conflict. Next is overemphasis on group decision making. And last is excessive focus on the internal relations. So these are some of the disadvantages of the matrix structure. So friends, up till now we have studied four types of organizational structure: the functional structure, the divisional structure, the flat structure, and the
matrix structure with their advantages and the various disadvantages. Now let us briefly discuss the formal and the informal organizations also. Now here the formal organization, here only business relation, यानी कि जो इस तरह की संस्थान होगी, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेशंस ही होंगे, कोई पर्सनल रिलेशंस को यहाँ पर अहमियत नहीं दी जाती, ना ही वो वहाँ पर होते हैं. सो वी कैन से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डिफाइंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंगस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स. इट वर्क्स अलोंग प्री डिफाइंड सेट ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर, शेड्यूल्स एंड द प्रोग्राम्स. मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज. यानी कि जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसमें किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या रोल है, आपस में जो कर्मचारी है उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो सारा पहले से डिफाइंड एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है. यहाँ पर जो भी काम होगा या जो भी डिसीजन होंगे वो पहले से जो उनकी सेट पॉलिसीज़ हैं, उनके प्लान्स हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उनके हिसाब से सारा कुछ होता है. नाउ लेट अस डिस्कस ब्रीफली द एडवांटेजेस ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट एडवांटेज इज द सिस्टमेटिक वर्किंग. नाउ बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सो एवरीथिंग विच इज गोइंग टू हैपन देयर विल बी अ इन अ सिस्टमेटिक फैशन. सेकेंड, अचीवमेंट्स ऑफ गोल. क्योंकि हर एक कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है और पूरा ध्यान जो है काम पर ही केंद्रित होता है, उस वजह से जो इस तरह का स्ट्रक्चर है वो जो अपने गोल्स हैं उनको बड़े आसानी से प्राप्त कर पाता है. नो ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क. नाउ बिकॉज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, सो देर इज़ नो कन्फ्यूजन और देर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क. नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑन वर्क. नाउ बिकॉज दिस इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, ए सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, सो ऑल द फोकस ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज ऑन द वर्क, नथिंग एल्स. सो दे आर मोर फोकस्ड टू आर देयर वर्क, सो दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स easily, because the full concentration here in this type of structure is on the work. Next advantage is the chain of commands. यानी कि यहाँ पर एक particular set of chain of commands होगा. The top management or the person sitting at the top of the management is going to give the information or the decisions, and through a chain of commands that information or the decision is going to pass from top to the bottom umpires. So there is a set chain of commands. Now along with these advantages there are some disadvantages of the formal organization. One is delay in action. Now kyunki wahan pe sara kaam systematic hai aur ek chain of command wahan pe kaam karta hai formal organization structure mein, so jo कार्य है वो थोड़ा सा स्लो होगा, या जो डिसीजन है या जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा स्लो पास करेगी, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू पास थ्रू डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम टॉप टू द एक्चुअल चेन ऑफ एक्शन. देन सेकेंड डिसवेंटेज इज इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय. यानी यहाँ पर जो उनके सोशल, जो सामाजिक ज़रूरतें हैं किसी भी एम्प्लॉय की, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, दे आर टोटली इग्नोर्ड. सो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मोनोटोनस काम हो जाता है और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं दे विल फील बोर्ड. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज द एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली. कि यहाँ पर जो सिर्फ है पूरा का पूरा जो ध्यान है वो कहाँ पे काम की तरफ लगाया जाता है, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं,
So here the full emphasis is given to the work only. Now only on the other hand we are having informal organization. As formal organization grows in size, parallel existence of informal relationships along with formal relationships becomes unavoidable. Informal organization have always existed with formal organization. यानी कि जैसे जैसे formal organization का size बढ़ता जाता है, उसमें कर्मचारियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके parallel में एक informal group या informal organization भी साथ के साथ set होती चलती है, क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉइज काम करेंगे, कहीं ना कहीं यदि एम्प्लॉइज है एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक दोस्ती की भावना पैदा हो जाती है और कहीं ना कहीं वो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप सेटअप हो जाता है. दे अराइज बिकॉज ऑफ इनएविटेबल सोशल एंड द पर्सनल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें काफ़ी संख्या में जो एम्प्लॉयज है वो काम कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों की कुछ सामाजिक और कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी होती हैं, जिनकी वजह से इस तरह के जो इनफॉर्मल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं. नाउ दे रिप्रेजेंट नॉन प्लान्ड अनऑफिशियल सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल वर्किंग इन फॉर्मल स्ट्रक्चर. दे अराइज आउट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. सो जो इस तरह के जो रिलेशंस हैं वो नॉन प्लान यानी कि गैर नियोजित होते हैं, अनऑफिशियल अनौपचारिक होते हैं. सोशल इंटरेक्शन यानी जो सामाजिक बातचीत है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. दे अराइज आउट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल, यानी कि ये जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं लोगों के सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशन है एक दूसरे से, वो चाहे बॉस हो या सबॉर्डिनेट हो या जूनियर हो, थोड़ा सा दोस्ती वाला होता है, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है. कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बड़े फास्ट तरीके से कम्युनिकेट करती है. सेकंड एडवांटेजेस फुलफिल सोशल नीड्स, यानी ये जो एम्प्लॉइज हैं जो उनकी सामाजिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करता है. नेक्स्ट द करेक्ट फीडबैक, यानी क्योंकि यहाँ पे एक दोस्ती का थोड़ा ज़्यादा रिश्ता होता है, इस वजह से जो फीडबैक है वो करेक्ट मिलता है. यानी इस केस में जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है वहाँ पे कहीं ना एक सिस्टमेटिक वे है, तो वहाँ पर ये डर नहीं होता कि मैंने यदि अपने जूनियर का या सीनियर का या अपने जो साथी का फीडबैक गलत दिया तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान मिलेगा. तो इस तरह का जो खतरा है वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर दोस्ती को या जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है. इस वजह से जो फीडबैक मिलेगा वो करेक्ट मिलता है. नाउ देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, दैट इज स्प्रेड रूमर्स. जो रूमर्स हैं या जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो इस तरह के जो सिस्टम है काफ़ी जल्दी से स्प्रेड करती हैं. देन नो सिस्टमेटिक वर्किंग, क्योंकि बिकॉज दिस इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सो वहाँ पर कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होती. मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स. समटाइम्स इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मे रिजल्ट इन नेगेटिव इफेक्ट्स. देन लास्ट डिसएडवांटेज मोर एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पहले रखा जाता है, ज़्यादा उस पर एम्फेसिस किया जाता है बजाय कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट या काम पर. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस ब्रीफली डिस्कस एडिशनल बेनिफिट टू हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी इनके अलावा हमारे पास क्या और जो बेनिफिट हैं जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मिल सकते हैं, कि यदि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो एक सुदृढ़ है, एक अच्छी है,
तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉयज़ को या जो ओनर है उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो पुटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन प्लेस कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू ए कंपनी। द स्ट्रक्चर नॉट ओनली डिफाइन ए कंपनीज हायरार्की बट इट आल्सो अलाउ द फर्म टू ले आउट द पे स्ट्रक्चर फॉर इट्स एम्प्लॉयज। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प इन डिफाइनिंग द पे स्ट्रक्चर। बाई पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन प्लेस द फॉर्म कैन डिसाइड सैलरी ग्रेड्स एंड रेंज ऑफ ईच पोजिशन। यानी पोजिशन के हिसाब से किसको क्या तनख्वाह देनी है कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू बी हेल्प्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर आल्सो मेक ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट एंड मच मोर इफेक्टिव बाय सेपरेटिंग एम्प्लॉयज एंड फंक्शंस इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द कंपनी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन एट वंस सीमलेसली। यानी कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें होने वाले जो विभिन्न ऑपरेशन है जो उसके संचालन है उनको कहीं ना कहीं अधिक प्रभावी बनाता है और अधिक कुशल बनाता है। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर्मचारियों और जो कार्य हैं उनको अलग अलग विभागों में विभाजित करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही समय में अलग अलग ऑपरेशंस भी कर सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इन द लास्ट सेक्शन we have also briefly discussed about formal and informal organizations along with the advantages and disadvantages of the formal and informal and formal structures and also we have discussed the benefits of having an organizational structure. So students, this is all for today's lecture. In the next lecture, we are going to describe and discuss broadly about formal and informal organizations. So, thanks for listening my lecture. Have a very nice day.